जय भीम। शायद नेटवर्क की किसी इशू के कारण मेरा लाइव जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। पुनः अपनी बात को शुरुआत करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करता हूँ। और दो विषय जिन पर मैंने आपसे कहा कि आपसे बात करनी है, पहला संविधान बचाओ यात्रा और दूसरा नई संसद में नई राजनीति जो देखने को मिली उस पर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट विषय पर बात करेंगे और फर्स्ट विषय है संविधान बचाओ यात्रा। मध्य प्रदेश में 6 से 7 जिलों में हम लोग गए। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा जो लोग इस संविधान बचाओ यात्रा में लगातार मेरे साथ थे। कई तरह की परिस्थितियों का सामना हुआ, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हुए बहुत सारे लोगों की समस्याएं सुनी, रात में कार्यकर्ताओं के साथ कैडर में शामिल होने का मौका मिला, उनको समझाने का मौका मिला और सड़कों पे माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का प्यार देखने को मिला। ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस और मेरे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था कि जब एक तरफ मेरी जान लेने के लिए कुछ लोग जो हैं प्रयास कर रहे हूं, वहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के युवा साथियों द्वारा, भाइयों द्वारा एक सुरक्षा चक्र बना के जिस तरह से यात्रा को पहले चरण को पूरा कराया गया, ये बड़ा ऐतिहासिक था। उनका प्यार, उनका त्याग, उनकी ईमानदारी, उनका संघर्ष देखने लायक था। खूब आनंद आया। मध्य प्रदेश के साथियों का, एक एक साथियों का धन्यवाद। जो जिले यात्रा प्रभारी बनाए गए तो उनका धन्यवाद। जिन लोगों ने जिस तरह से भी तन मन धन से जो सहयोग किया, खाना खिलाया, लेटने की जगह दी, उन सबका धन्यवाद। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कई नई बातें कि आज भी 200-250 रुपए की दिहाड़ी, यानी के माने दे वेतन पर जो है लोग रोजाना काम करते हैं पेट पालने के लिए। कई इस तरह की बात है कि आज भी असमानता, जातिवाद मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर है, सामंतवाद बड़े पैमाने पर है। आज भी कई जगह पे घोड़ी निकालने पे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने पे तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये भी एक नए तरह का एक्सपीरियंस था। और क्योंकि यात्रा मंदसौर जाते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास, भीलवाड़ा के आसपास डग विधानसभा, उसके साथ वाली विधानसभा से भी निकली तो पूरे पूरे गांव के लोग काम छोड़ के सड़कों पे थे। माताएं, बहनें, प्यारी प्यारी बच्चियां जिनको बहुत सारे उम्मीद आशाएं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से। और ये तब था कि जब बहुत बड़ा कोई प्रचार तंत्र नहीं था, कोई गांव ऐसा नहीं था जिसके बाहर लोग ना खड़े हों। 2-2 किलोमीटर अंदर गांव से सड़क पे आके खड़े होना और घंटों इंतजार करना, ये जो काम करने की उम्मीद हम लोग लेके चले हैं उसको एक बहुत बल देता और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता। संविधान बचाओ यात्रा के सहयोगी साथी जिनके विचारों से संविधान बचाओ यात्रा आगे बढ़ी, उनका भी धन्यवाद। स्पेशली आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमेटी का धन्यवाद। ये पहली यात्रा, इसके बाद जो और यात्रा होंगी ज्यादा जमीनी होंगी। राजस्थान की यात्रा 26 तारीख से शुरू होगी और वो 6 तारीख तक रहेगी, 28 तारीख से 6 तारीख तक रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में, कस्बों में लोगों से मिलने का, उनको सुनने का, उनकी परेशानियां जानने का, उनकी समस्या का किस तरह निराकरण होगा ये बताने का मौका उन्हें मिलेगा। खूब फूल फेंके गए, खूब बारिश में लोग खड़े रहे। एक गांव तो ऐसा था, कमेर शायद नाम है उसका, कि बहुत तेज बारिश में
नौजवान साथी, बुजुर्ग और युवा तो खड़े ही थे, बच्चे तो खड़े थे, लेकिन माँ बहनें जो हैं वो इतनी तेज बारिश में ट्रैक्टर ट्रॉली पे बड़ी संख्या में खड़ी थी, और फिर अपने आप का मन नहीं हो पाया कि अंदर बैठा रहा, फिर उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने वहां वो आज मुझे, हमारे यहाँ कम है लेकिन उधर पगड़ी बांधने का एक बहुत बड़ा वो है, सम्मान के तौर पे साफा वो पगड़ी के रूप में बांधते हैं। मैं भी सीख गया हूँ काफी हद तक बांधना, बहुत अच्छी तरह से नहीं सीखा लेकिन सीख गया हूँ। इस बीच में एक बड़ी घटना घटी है कि महिला आरक्षण विधेयक बिल बन के और वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, और बधाई हो उन सभी नेताओं को जिन्होंने उसका समर्थन किया। हाँ, दबी आवाज में जरूर कहा कि इसमें एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज की महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं भी होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन हमारा समर्थन। इस बात पर मैं जल्द लाइव के आके अपनी बात रखूंगा कि मैं इससे कितना सहमत हूं, और अगर जिम्मेदारी के तौर पे कहूं क्यों सहमत नहीं हूं ये भी रखूंगा। मैं इस पर सहमत नहीं हूं, क्यों सहमत नहीं, बहुत जल्दी एक लाइव के माध्यम से रखूंगा कि इससे कितना बड़ा नुकसान वंचित वर्ग का, और मैं और हमारे साथी इसको इतनी आसानी से जो है इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके विरुद्ध हमारा जो आंदोलन, मैंने बहुत सारे नेताओं को सुना उस समय के जब पिछली बारी बिल आया था, और जिस तरह से उन्होंने विरोध दर्ज कराया था वो ऐतिहासिक था। आज के नेताओं में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इस पे सवाल खड़ा कर पाते, लेकिन मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि बहुत जल्द जो है हम लोग इसको लेकर रणनीति बना के और अपना विरोध जो है वो बड़े पैमाने पर दर्ज कराएंगे। उसके साथ साथ बीएड के बच्चों का एक इश्यू हुआ, मैं बीएड के विद्यार्थियों के आज भी साथ हूँ, और उनकी लड़ाई को बहुत जल्द, उनकी लीडरशिप जो लोग काम कर रहे हैं उनके डाटा इकट्ठा करके उनसे बात करके एक बड़े प्रोटेस्ट को हम लोग करेंगे। जो बीटीसी के साथी हैं मेरे, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों ने बीएड कर लिया है सरकार के राजपत्र के अनुसार, उनको उनके जीवन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, उनको भी उनके अवसर मिले इस बारे में सोचना चाहिए। जिम्मेदारी सरकार की, सरकार के वजह से आपसे मतभेद हुए हैं दोनों बीएड और बीटीसी के लोगों में, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार को इस पर जल्द फैसला करना चाहिए। बीएड के साथियों को मैं कहूंगा कि वो निराश ना, घबराए ना, न्याय उचित कार्रवाई के लिए हम सरकार के लोगों से इस पर जो है जिस तरह का भी आंदोलन संरक्षण आपको देना पड़ा और जिस तरह से भी आवाज उठानी पड़ी उसको हम लोग करेंगे। जिन लोगों को बीटीसी से अवसर मिला उनके लिए भी मंगल कामना है, वो इस बात से वो ना हो कि भाई हमारी शक्ति बहुत अधिक है और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो उनका हक छीनेगा, उनका हक नहीं छीनेगा, उनका हक भी उनको मिलेगा, लेकिन बीएड 1.5 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे आपका हक छीने बगैर उनको उनका हक मिले। दूसरा विषय जो एक सांसद जी ने एक दूसरे माननीय सांसद को जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया सदन में, और जिस तरह से बहुत पहले से हम देख रहे हैं किस तरह से जो है माननीय स्पीकर महोदय जो है अध्यक्ष महोदय लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस बार वो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ डांट के जिन्होंने उन्होंने छोड़ दिया। मैं इस घटना की जितनी निंदा करूं, और निंदा तो बहुत दिनों से करता हूं, निंदा से भी बुरा, इस पर जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जो लोग जो चीजें लोकसभा में कही जाती है उन पर लोकसभा के बाहर उस तरह कार्रवाई के लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन मैं लोकसभा स्पीकर जी से अध्यक्ष जी से भी उम्मीद करूंगा कि वो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कार्रवाई की दोबारा कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के व्यक्ति के प्रति, किसी जाति के व्यक्ति के प्रति ऐसी टिप्पणी करने और किसी भी माननीय सांसद के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करने से पहले, किसी समाज के खिलाफ एक भावना लेकर टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचे, ऐसी सख्त कार्रवाई ऐसे सांसदों पर होनी चाहिए। मैंने माननीय सांसद को पहले भी सुना और उनके कर्तव्य उसको उनकी वाणियों को सुना, समझ आया कि सरकार उनको अपने मोहरे के रूप में यूज करती है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं तो उनके जरिए जो है अपनी बात को कहलवाना आसान है, जो सरकार की नीयत है भारतीय जनता पार्टी की, और जो नेचर है और जिस तरह की विचारधारा और जिस तरह के लक्ष्य पर वो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह का राजनीतिक एजेंडा उनका है, वो जानते हैं कि जब तक मुसलमानों को इस देश में गाली नहीं दी जाएगी तब तक वो हिंदुत्व के नाम पे एससी एसटी ओबीसी को भाई बना के कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे।
लेकिन इसके परिणाम, भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति के लिए करती है, लेकिन इसके परिणाम जो है दुनिया भर में, जो हमारी विदेश नीतियों पर और तमाम तरह से जो हमारे समाज के अंदर, हमारे प्रदेश और देश के अंदर जो नफरत फैलती है, उसका एहसास शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है, इसलिए वो इन बातों पर गौर नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बातें गौर करने योग्य हैं, इन पर गौर होना चाहिए। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हेट स्पीच पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कैसी नई संसद है जिसके पहले सत्र में इस्लाम के मानने वाले लोगों को टारगेट करके इतना बड़ा अपमान और इतने अपशब्द कहने की हिम्मत सरकार के सांसद द्वारा की गई। मैं इसको एक सोची समझी साजिश मानता हूं, लेकिन सरकार इस बात को समझे जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, कि इसका कितना बड़ा रिएक्शन अरब कंट्रियों से आएगा और कितना जो है अरब कंट्रीज पे जो है उनके और हमारे संबंध जो देश के हैं, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो या फिर तमाम तरह से जो आयात निर्यात को लेके व्यापारिक संबंध हमारे कितने खराब होंगे, इसका एहसास नहीं। और ये एक आपके राजनीतिक एजेंडा कितने लोगों की जान को भी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये आपको नहीं पता। जो अरब कंट्री में हमारे लोग रहते हैं, स्पेशली जो हमारे बड़े पैमाने पे कमजोर वर्गों के लोग जो रोजगार करने के लिए वहां गए हैं, उनकी जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ आपने किया, आपको जानकारी नहीं है। उनके रोजगार के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ आपने किया, आपको जानकारी नहीं है। बस आपका एकमात्र उद्देश्य है कि आपने आपका राजनीतिक एजेंडा कामयाब हो। मैं लोकसभा में तो नहीं हूं, अगर मैं लोकसभा सदस्य के रूप में होता तो शायद वही इस पे हम लोग जो है अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते। मुझे विपक्ष के साथियों से भी ये कहना है कि उसी दिन सदन को बंद करवा देना चाहिए था, उसी दिन जो है सदन के बाहर तत्कालिक रूप से हड़ताल पर बैठ जाना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था, क्योंकि एक व्यक्ति का नहीं, एक समाज का मामला था। जब छोटी छोटी बातों पर वहां आंदोलन होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर वहां आंदोलन होते हैं, अपनी बात रखी जाती है, विरोध दर्ज होता, तो इतने बड़े मामले पे क्यों देरी हुई? इसका परिणाम ये हुआ कि ये पूरा मामला एक मजाक बन के रह गया और हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये एक घटिया सोच और घटिया मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के कैडर के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के इशारे पे जो आ रही है, इसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस के जो हमारे प्रमुख हैं उनकी बैठती है कि वो सामने क्या कहते हैं, पीछे क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है और वो उनकी जबान पे क्या, ये तमाम उन बातों को जो है ना चरितार्थ करता है जो हम लोग देखते हैं। वो बाहर से आए हुए मुस्लिम जो अभी G20 में भी है, उनका किस तरह से उन्होंने सम्मान किया, वो जब दुनिया में जाते हैं अरब कंट्री, किस तरह वो लोग उनका सम्मान करते हैं, और भारत के मुसलमानों के प्रति किस तरह की नफरत का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता बना है। ये जितना भी जो है इसकी इस पे खेद प्रकट किया जाए, इस पे सवाल किया जाए उतना कम है। ये मामला चुप्पी थामने का नहीं, दोबारा ऐसी घटना ना हो इसलिए इस पे सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मैं जब यात्रा में था मैंने कई बार इस पे सवाल खड़े किए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी देरी करने की जरूरत नहीं है, उनको भी, वो बहुत पसमानदा और बहुत मुसलमान और महिला मुसलमानों की जो है बात करते हैं, महिला बहन मुस्लिम महिला मुस्लिम बहनों की बात करते हैं, लेकिन उनके सांसद के बयान पे देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी देश से, कि जिस संसद का बड़ा गुणगान कर, संसद में क्या जो है किस तरह लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, किस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ, किस तरह से उनके सांसद ने देश की एकता अखंडता को ठेंगा दिखाने का काम किया, अपमानित करने का काम किया लोकतंत्र को, इस पे जो है जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए थी, मगर ये नहीं हुआ। एक भय, एक डर, एक समुदाय के प्रति उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इस देश के दलित आदिवासी तो सदियों से अन्याय अपमान सहते आए, लेकिन गांव गली गस बस्ती चौराहे पे ये रोज होता है, मुझे पता है। आम गरीब कमजोर मुसलमान के साथ ये होता है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन संसद में अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब
भारतीय जनता पार्टी उस डर उस दहशत को समझ रही है जो आने वाले कल में जनता में जो आक्रोश उनके खिलाफ पैदा होगा। तो हमसे जो भरसक प्रयास होगा हम लोग उस पर करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि भाई दानिश जी से भी हम लोग मुलाकात करके उनकी पीड़ा को कम करने का काम करेंगे, उनके दुख को बांटने का काम करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा दुख बांटने से और उनके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ने में भी हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत जल्द मैं जब यात्रा से फ्री होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस तरह के जो तमाम कमजोर वर्गों के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, उसका जवाब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में इस संसद भवन का घेराव करके ही उसका जो है जवाब लेंगे सरकारों से। ये इस तरह का माहौल, इस तरह की भाषा, इस तरह के विचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं अपनी बात के जरिए सरकार के लोगों से, लोकसभा अध्यक्ष जी से ये निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य पर ठोस कार्रवाई जो है, कड़ी कार्रवाई, अनिश्चितकालीन बैन या अपने स्तर से मुकदमा लिखवा के उनको जेल भेजना चाहिए, जिससे कि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। अगर आप इस बार उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये ट्रेंड बन जाएगा, दोबारा फिर कोई किसी मुसलमान को इस तरह के शब्द कह के अपमानित करने का काम करेगा। किसी को अधिकार नहीं बिना इतिहास को जाने कि इस देश में मुसलमानों का आजादी की लड़ाई में कितना योगदान है, ये जाने बगैर कितनी कुर्बानियां हैं, रेशमी रुमाल तहरीक से लेकर और जो तोपखाना जो है गंगों में लूटा गया, जो तमाम तरह की मुसीबतों का सामना जो है देश के क्रांतिकारियों के साथ खड़े हुए मुस्लिम साथियों ने किया, भाइयों ने किया, इस तरह से उनको पूरे समाज को संदेश देने के रूप में, अपमानित करने के रूप में उग्रवादी आतंकवादी कहना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। जो आतंकवादी हैं, जो उग्रवादी हैं, जो देश को बर्बाद करने वाले, उनके चेहरे बहुत जल्दी जल्दी बेनकाब हो रहे हैं और जनता इस बात को जान भी रही। ऐसे संगठन जो धर्म और जाति के नाम पर हिंसा फैलाते हैं और जिनका मकसद होता है कमजोर को कुचलना, ऐसे संगठन भी जो हैं वो भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं और उनपे कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन मैं अपने साथियों से कहूंगा, राजस्थान के मेरे साथी, वो क्योंकि बहुत सारी जगह यात्रा नहीं जा रही, तो जहां जहां पहले फेज की यात्रा जाएगी वो लोग अपनी तैयारियां कर लें और समाज इस बात के लिए तैयार है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं करा के, इस तरह के शब्दों का यूज करके और क्या रणनीतिक रूप से कुछ इस तरह करके देश और प्रदेश के माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोगों को मिलके इस लड़ाई का सामना करना है, इस अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं। किसी भी तरह से दमन का जवाब जो है हम लोग संवैधानिक तरीके से देंगे कि दोबारा कोई ऐसा ना करे। और तमाम मैं अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी नेताओं से यह निवेदन करूंगा कि वो आज के हालातों को समझ के जनता को समझदार बनाने में, जनता के सामने जाकर अपनी बात रखने में जिम्मेदारी अदा करें, जनता को जागरूक करें। और संविधान तब बचेगा जब उस संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और स्टेटों से हटेंगी और उनके साथ साथ मानवतावादी सोच वाली आजाद समाज पार्टी के विधायक और नेता जीत के सदनों में जाके कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तब तक संविधान सुरक्षित नहीं है और तब तक संविधान सुरक्षा हो भी नहीं सकती। इसलिए इनको निकालने के साथ साथ अपनी ताकत भी बनाना, क्योंकि अपनी लड़ाई किसी दूसरे भरोसे नहीं छोड़ सकते। बहुत दिन छोड़ के रखे, उसके परिणाम क्या हुए आप भी बेहतर जानते हैं। तो मैं कमर कसने के लिए कहूंगा, मैं पुणे मध्य प्रदेश के साथियों से और राजस्थान के साथियों से, और 9 अक्टूबर को धामपुर, बिजनौर, नगीना लोकसभा क्षेत्र पर जो रैली होने वाली है उसके लिए भी उत्तर प्रदेश के साथियों को, जो पश्चिम के साथी हैं उनको कहूंगा कि वो तैयारी कर लें, अपने छोटे छोटे साधुओं से पहुंच के अपनी रैली को सफल बनाना। ये आपके मान सम्मान की लड़ाई है और ये संदेश भी है सरकारों को कि हम किसी भी कीमत पे, भले ही हमारे विधायक एमपी ना हो, लेकिन अन्याय हम लोग कमजोर वर्गों पर बर्दाश्त नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।